हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीए काजल डेरोलिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू मिसिंग फ्रिक्वेंसीज। बेसिकली हमने लास्ट क्लास में अरिथमेटिक मीन के जितने भी फॉर्मूलाज रिलेटेड टू डिफरेंट सीरीज वो हमने डिटेल डिस्कस किया था। अब बाकी जो टॉपिक्स हैं जैसे मिसिंग फ्रिक्वेंसीज, कंबाइंड मीन, करेक्टेड मीन एंड सो ऑन, अब हम लोग का डिस्कशन उस पर होगा। तो आज की क्लास में हम बताएंगे कि मिसिंग फ्रिक्वेंसीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, हम लोग बात करेंगे मिसिंग फ्रिक्वेंसीज पे। मिसिंग फ्रिक्वेंसीज में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कोई एक फ्रिक्वेंसी नहीं गिवन होती या कई बार कोई एक वेरिएबल की वैल्यू नहीं गिवन होती, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। और जर्नली जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो होता है डायरेक्ट मेथड। देखो, हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ डायरेक्ट मेथड, व्हाट इज़ शॉर्टकट मेथड एंड व्हाट इज़ स्टेप डेविएशन मेथड। तो नो डाउट आप मेथड तो कोई भी यूज़ कर सकते हो मिसिंग फ्रिक्वेंसीज को फाइंड आउट करने के लिए, बट जनरली हम बता रहे हैं कि हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं क्योंकि डायरेक्ट मेथड कंपैरेटिवली बाकी मेथड से थोड़ा ईजी पड़ता है अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसीज या कोई एक वेरिएबल गिवन ना हो उस केस में। क्लियर? तो देखो, हम दोनों पे ही एक एक क्वेश्चन बता देते हैं जहाँ एक बार वेरिएबल गिवन नहीं होगा और एक बार फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं होगा, बट हम हर केस में डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करेंगे। आप चाहो तो मिसिंग फ्रिक्वेंसीज के क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड से भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारी प्रेफरेंस हमेशा होती है कि डायरेक्ट मेथड कंपैरेटिवली बाकी मेथड से ईजी पड़ता है। अब देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें वैल्यू ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। मीन गिवन है हमारे पास, हमारे पास x दिया दैट इज़ वेरिएबल और फ्रिक्वेंसीज दी है। यहाँ देखो, हमारे पास वेरिएबल मिसिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसीज का एग्जांपल भी बताएंगे। अब देखो, क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, मीन गिवन है कितना है बेटा, 16.6। फ्रिक्वेंसीज तो दी है ना, इस फ्रिक्वेंसी का हम क्या करेंगे, टोटल कर लें, तो मेरे पास समेशन एफ पी आ जाएगा जिसका टोटल आ रहा है 100। तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 100। तो हमने फॉर्मूला क्या यूज़ किया, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। मीन दिया हुआ है, समेशन एफ कैलकुलेट कर लिया, अब क्या करेंगे, एफ एक्स मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इसको इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो। जब हम एफ एक्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी। देखो, हमने एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है और अब हमें क्या करना है, एफ एक्स का टोटल निकालना है। जब हम एफ एक्स का टोटल निकालेंगे, आप सब टोटल निकाल के देख लेना, तो ये सारी वैल्यूज़ तो आप ईजिली ऐड कर सकते हो, जो कि ऐड करने पर आएगा 1228 प्लस, इस वैल्यू को तो हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि 24 मल्टीप्लाई वाई कितना हो जाएगा, 24y, तो ये हो जाएगा प्लस 24y। क्लियर? अब देखो, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे, मीन हमारा गिवन है 16.6, समेशन एफएक्स हमने निकाल लिया 1228 प्लस 24y डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमने निकाला था 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1660 इज इक्वल टू 1228 प्लस 24y। अब बहुत बार स्टूडेंट्स को इसमें भी दिक्कत होती है सॉल्व करने में, तो देखो, हम स्टेप वाइज बता रहे हैं कि पहले इसको इक्वेशन के दूसरे साइड ला करके माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 432। अब जो मेरे पास वैल्यू बची वो बची है 432 इज इक्वल टू 24y, और y कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, 432 को डिवाइड कर देंगे 24 से, तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 18। दैट इज़ y की वैल्यू कितनी हो गई, 18। क्लियर? अब आप इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके देख लेना, जैसे शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि सारे मेथड्स आपको क्लियर है। एंड क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज थी तो याद रखना कि डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड का या फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्लियर? चलो देखेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जहाँ पे बेसिकली फ्रिक्वेंसीज मिसिंग है एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज दिया है। अब देखो, ये सेकेंड एग्जाम्पल है मिसिंग फ्रिक्वेंसीज का, और यहाँ पे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्क्रीट सीरीज लिया था तो यहाँ हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज ली है। अब देखो, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए हमने ऑलरेडी एक क्लास डाली हुई है टाइप्स ऑफ सीरीज, वहाँ से नो डाउट आपने ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होगा, इसलिए हम यहाँ इस पर फर्दर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बट देखो, ये किस तरह की सीरीज है, इंक्लूसिव सीरीज, क्योंकि 62 यहाँ इस ग्रुप में तो इंक्लूडेड है बट इस ग्रुप में 62 इंक्लूडेड नहीं है। तो चलो फिर इस पर भी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिंपली अगर हम लोग चाहें तो समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ की हेल्प से मिसिंग फ्रिक्वेंसीज निकाल सकते हैं, बट हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ये चीज़ बताई थी। अब जैसे ये कंटिन्यूस सीरीज है तो आप डायरेक्ट मेथड तो लगा ही सकते हो, दैट इज़ दिस वन, बट इसके अलावा आप शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो एज वेल एज स्टेप डेविएशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। हम ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं,
क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास मीन हाइट दी हुई है ग्रुप की 67.45 एंड हमें मिसिंग फ्रिक्वेंसीज निकाली है जहां हमारे पास डेटा दिया हुआ है 100 स्टूडेंट्स का, तो टोटल फ्रिक्वेंसी तो दी है, हाइट्स दी हुई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, बट इसका टोटल कितना है 100। लेट्स से ये है हमारा एफ वन और ये है एफ टू, यही चीज़ कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, मिसिंग फ्रिक्वेंसीज। अच्छा अब देखो, अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हमने बताया भी था टाइप्स ऑफ सीरीज़ की क्लास में कि पहले हम इसकी हेल्प से, दैट इज़ वेरिएबल की हेल्प से x की वैल्यू निकालेंगे, और x क्या होगा बेटा, मिड वैल्यू। यहाँ पे पहले हम बता दें कि मिड वैल्यू मतलब क्या, सिंपली अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ देखो, अपर लिमिट 62 प्लस 60 डिवाइडेड बाई टू जब आप करोगे तो कितना आएगा 61। क्लियर? वैसे ही फिर नेक्स्ट क्लास का आएगा 64, देन 67, देन 70 एंड देन 73। तो देखो मेरे पास x आ गया, फ्रिक्वेंसी दिया है, हम सिंपली फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ हम मिड वैल्यू लिख रहे हैं, जो कि x हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, 61, 64, 67, 70, 73। अब फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 5, 18, F1, F2 ये हमने अज्यूम किया है 8, और इसका टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 फ्रीक्वेंसीज। अब सिंपली हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी। तो जब हम एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 61 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा 305, देन 1152, देन 67 F1, देन 70 F2, देन 584। तो हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा 2041 प्लस 67 F1 प्लस 70 F2। क्लियर? अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि मीन ऑलरेडी गिवन है, समेशन एफ एक्स हमने निकाल लिया, समेशन एफ गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम F1 और F2 निकाल देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हमारे पास क्वेश्चन में मीन गिवन है, समेशन एफ एक्स हमने निकाला था 2041 प्लस 67 F1 प्लस 70 F2 और समेशन एफ दिया हुआ है 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते ही ये आ जाएगा 6745 माइनस, इसको इस साइड ले आएंगे, 2041 इज इक्वल टू 67 F1 प्लस 70 F2 और 4704 इज इक्वल टू 67 F1 प्लस 70 F2। क्लियर? एक तो ये क्वेश्चन मिला, और एक इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या कि सारी फ्रिक्वेंसीज का टोटल कितना है बेटा 100। हमारे पास कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज गिवन है, 5 प्लस 18 प्लस F1 प्लस F2 प्लस 8 इज इक्वल टू 100, ये गिवन था। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये आएगा 31 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100, और हम क्या कह सकते हैं, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 69। तो ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन हो गया। बस अब इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हम F1 F2 फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो सिंपली मेरे पास पहला इक्वेशन था 4704 इज इक्वल टू 67 F1 प्लस 70 F2, और जो सेकेंड इक्वेशन था ना उसमें हम 67 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा आ जाएगा 4623 इज इक्वल टू 67 F1 प्लस 67 F2। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से बैलेंस बचेगा 81 इज इक्वल टू 3F2 और F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 27। नाउ हम F2 की वैल्यू अगर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें तो सेकेंड इक्वेशन क्या था, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 69, तो F1 इज इक्वल टू सीधे कितना आ जाएगा 69 माइनस 27 और 42। क्लियर? तो फ्रिक्वेंसी 1 आ गई 42 और फ्रिक्वेंसी 2 आ गई 27। तो सिंपली हमने यहाँ डायरेक्ट मेथड यूज़ किया कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का, बट अगर आप चाहो तो आप शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तब तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि डायरेक्ट मेथड के लिए जाना, बट अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो आप शॉर्टकट मेथड या स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू आई थी बेटा मेरे पास 42 और इसकी वैल्यू आई थी 27। अब जब आप इसका टोटल करके देखोगे तो कितना आएगा 100। क्लियर? ये बेसिकली हमारे पास मिसिंग फ्रिक्वेंसीज के क्वेश्चंस थे। अब मिसिंग फ्रिक्वेंसीज होपफुली सबको बहुत प्रॉपरली क्लियर हो चुका होगा, एंड ये टॉपिक भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने ये जो अपनी सीरीज स्टार्ट की है जहाँ हम स्टैटिस्टिक्स से सारे एक एक करके टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो बेसिकली बहुत सारे एंट्रेंस लेवल पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में आपको हेल्प करेंगे, जैसे SSC CGL
UPPSC, UGC, NET, MCOM, BCOM Entrance, हर एक लेवल पे स्टैटिस्टिक्स कवर करता है। तो सबसे पहले हम सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे और उसके बाद हम अपना MCQ सेशन स्टार्ट करेंगे, जहां हम ऑन एन एवरेज हर डे 10 MCQs की प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना जो कि रिलेटेड है स्टैटिस्टिक्स से। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।